आपने जरूर गौर फरमाया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पार्ले जी बिस्किट की नन्ही गुड़िया और इसी तरह पूरे देश में कपड़े धोने के लिए यूज किया गया निर्मा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर सफेद फ्रॉक पहनी एक बड़ी लड़की नजर आती है, जिसे हर एक भारतवासी एक दो साल से नहीं बल्कि चार पाँच दशकों से देखता आया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर कौन हैं ये दोनों प्यारी लड़कियां? क्यों इन्हें पार्ले जी और निर्मा पाउडर का ब्रांड बनाया गया और पिछले काफी लंबे समय से दिखाई देने वाली ये दो लड़कियां आज किस हालत में हैं? आज ये कैसी दिखती हैं? आपको इसी सवाल का जवाब हम देने वाले। सबसे पहले बात करते हैं पार्ले जी पर छपी हुई क्यूट लड़की के बारे में, पर उससे पहले जानते हैं पार्ले जी बिस्किट का इतिहास जो कि 82 साल पुराना है। इसकी शुरुआत मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री से हुआ था। ये साल 1929 की बात है जब एक व्यापारी मोहनलाल दयाल ने इस फैक्ट्री को खरीदा था, जहां पर इन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे पार्ले जी कंपनी ने कमाई के मामले में रफ्तार पकड़ी और साल 1939 के आसपास में पार्ले जी के व्यापारी पर एक खूबसूरत बच्ची की तस्वीर को छापा गया, जिसे लेकर लोगों ने खूब चर्चा की है। इस तस्वीर को लेकर हमेशा ही एक महिला का नाम आया है और वो है नागपुर की नीरू देश पांडे का। पर कुछ साल पहले जब मीडिया में इस तरह की खबरें फैली तो मजबूरन पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पैकेट पर दिखने वाली बच्ची की तस्वीर का वास्ता किसी से नहीं है, ये एक इमेजिनरी इमेज है जिसे मगनलाल दाहिया नाम के एक चित्रकार ने 60 के दशक में बनाया था। अब जहाँ तक रही नीरू देश पांडे की बात तो उन्हें इन सुर्खियों के चलते काफी प्रसिद्धि मिली। वर्तमान में नीरू देश पांडे लगभग 65 साल की हैं और इस वक्त नागपुर में रह रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नीरू की उम्र 3-4 साल थी तब इनके पिता ने इनकी एक ऐसी ही फोटो खींची थी। हालांकि इनके पिता प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन उनकी खींची ये तस्वीर काफी अच्छी आई थी। इस बीच एक दिन किसी ऐसे शख्स की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी जिनका संबंध पार्ले जी वालों से था, फिर क्या ये तस्वीर बिस्किट के पैकेट पर छप गई। अब बात करते हैं टीवी पर एक समय पर सबसे ज्यादा चलने वाले निर्मा वॉशिंग पाउडर के बारे में। बता दें कि साल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि करसन भाई ने निर्मा नाम के वॉशिंग पाउडर का कारोबार तब शुरू किया था जब इस धंधे में उतरने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। इन्होंने एक जमाने में घर घर जाकर अपना वॉशिंग पाउडर बेचा था। हालांकि इन्होंने आखिरकार क्यों निर्मा वॉशिंग पाउडर पर इस लड़की को छापा है, ये कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ दुख भरी भी है। दरअसल करसन भाई की एक छोटी बेटी थी जिससे ये बेहद प्यार करते थे। वैसे तो इनकी लड़की का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से ये अपनी बिटिया को निर्मा कहकर बुलाते थे। हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन किस्मत पर किसका बस चलता है। एक दिन कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना से करसन भाई इस कदर टूट गए कि इन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। ये हमेशा से इसी बात की ख्वाहिश करते रहते थे कि इनकी बेटी निर्मा बड़ी होकर खूब नाम कमाए, लेकिन निर्मा की अचानक डेथ हो जाने से इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। पर ये इस बात को ठान चुके थे कि निर्मा को वो अमर कर देंगे। फिर इन्होंने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर अपनी बेटी निर्मा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। और आज भले ही इनकी बेटी निर्मा इस दुनिया में ना हो, मगर इनकी बेटी की तस्वीर पूरी दुनिया भर में निर्मा वॉशिंग पाउडर ब्रांड से पहचानी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पार्ले जी पर छपी और निर्मा पाउडर पर छपी इन दोनों बच्चियों के बारे में पहले से जानकारी थी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।